रतन टाटा का निधन बुधवार की देर शाम मुंबई के ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में हुआ। भारत के दिग्गज उद्योगपति रतन टाटा 86 साल के थे। पिछले कुछ दिनों से वो बीमार चल रहे थे। बुधवार की शाम में उनकी तबीयत ज्यादा बिगड़ने की खबर भी आई, जिसके कुछ घंटे बाद उन्होंने दुनिया को अलविदा कहा। रतन टाटा का जाना देश के लिए एक बहुत बड़ी क्षति है, हालांकि उन्हें देश कभी भूल नहीं पाएगा। उन्होंने देश के लिए एक से बढ़कर एक काम किए। टाटा ग्रुप को ऊंचाइयों पर पहुंचाने में रतन टाटा की सबसे बड़ी भूमिका रही। उन्होंने देश और आम लोगों के लिए कई ऐसे काम किए जिसके लिए उन्हें हमेशा याद किया जाता रहेगा। रतन टाटा एक दरिया दिल इंसान भी थे और मुसीबत में देश के लिए हमेशा तैयार रहते थे। फिलहाल सोशल मीडिया पर आपको बता दें, हर जगत के जो लोग हैं वो इस खबर के बाद आहत हैं और हर कोई सोशल मीडिया पर रतन टाटा को अपने अपने अंदाज में श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। रतन टाटा के पार्थिव शरीर के लिए पोर्टेबल कोल्ड स्टोरेज जो शवालय है वो उसकी व्यवस्था की गई है। आज शाम 4 बजे तक नेशनल सेंटर फॉर परफॉर्मिंग आर्ट्स में उनके पार्थिव शरीर को लोगों के अंतिम दर्शन के लिए लाया जाएगा। आज दिन में कई उद्योगपति, एक्टर, राजनेता उनके घर पर जा सकते हैं अंतिम दर्शन के लिए। इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर कांग्रेस के तमाम जो दिग्गज नेता हैं, इसके साथ ही चाहे वो आपको बता दें कि उद्योग जगत के लोग हों, हर कोई लगातार सोशल मीडिया पर अपने अपने अंदाज में रतन टाटा को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। इसके साथ ही कुछ दिन पहले ही आपको बता दें, ब्लड प्रेशर बढ़ने की वजह से उन्हें अस्पताल में, मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में उन्हें एडमिट कराया गया था। सीधे रुक करेंगे हमारी सहयोगी सृष्टि का, जो इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई है। सृष्टि, न सिर्फ टाटा ग्रुप के लिए बल्कि पूरे देश के लिए ये बड़ी क्षति है। देश ने अपना रतन खो दिया है। यहाँ पर तमाम, अगर देखा जाए, जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं, उप मुख्यमंत्री हैं, वो लोग भी पहुंचे, अंबानी भी पहुंचे। फिलहाल आगे की जो प्रक्रिया है, आयोजन है, वो कैसे होगा, क्या मुंबई का जो है वो उनके अंतिम दर्शन कर सकेंगे, उसके बारे में भी जानकारी दीजिए। जी बिल्कुल, काफी दुखद जो है ये घटना है कि रतन टाटा जैसी पर्सनालिटी आज देश ने खो दी है। काफी दुखद, काफी सारे लोग जो है वो आज ट्विटर पे भी लिख रहे हैं कि जिस तरह का योगदान पूरे टाटा ग्रुप का रहा है लोगों की लाइफ में, कहीं ना कहीं टाटा ट्रस्ट ने इतने लोगों को मदद की है, तो किसी ना किसी के जीवन में एक ना एक बार तो ऐसे होता है कि टाटा ग्रुप से संबंध बनता है। और इसी के चलते काफी लोग जो है वो आज ट्विटर पे भी लिख रहे हैं और उनको काफी दर्द महसूस हो रहा है। अगर परिवार की अगर हम बात करें तो उनकी तरफ से जानकारी ये मिल रही है कि NCPA जो है वहाँ पे उनके मॉर्टल रिमेन्स जो है वो ले जाए जाएंगे और फिर दर्शन के लिए लोगों को वहाँ पे अलाउ किया जाएगा। और उसके बाद जो है उनकी आखिरी जो यात्रा है वो दोपहर को 3:30 बजे के बाद जो है वो शुरू होगी और उनको पासी क्रिमेटोरियम में लेके जाया जाएगा। पर काफी दुखद जो है, इतने बड़े आदमी जिन्होंने ना सिर्फ बिजनेस को आगे बढ़ाया बट एक इंसानियत को भी पूरे देश में और दुनिया में आगे बढ़ाया, जिस तरह का उनका योगदान हम देखते हैं और जिस तरह की उनको किताब मिले है, पद्म विभूषण उनको 2008 में मिला था, पद्म भूषण उनको 2002 में मिला था, और जिस तरह की उनकी पर्सनालिटी रही है हमेशा ही हम्बल, उनका जो है वो बिहेवियर लोगों को देखने मिला कि कितना बड़ा बिजनेसमैन जिन्होंने अपनी खुद की संपत्ति जो है वो 60% डोनेट कर दी है। ऐसे बिजनेसमैन जब दुनिया से जाते हैं तब काफी ज्यादा जो है वो दुख होता है और वही दुख में आज पूरा देश है। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने भी बोल दिया है कि हम आज कोई भी सरकारी काम नहीं करेंगे। दीपक केसरकर जो महाराष्ट्र के मंत्री है उन्होंने ये बताया है और कल रात को ही जो है वो चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे वहाँ पे मौजूद थे, ब्रीच कैंडी अस्पताल में वो पहुंचे, उसके बाद फैमिली भी पहुंचे। उनका यही कहना था कि हम जो है तो काफी दुखी है इस पूरे वाक्य से और महत्वपूर्ण बात यह कि महाराष्ट्र ने पिछले ही साल जो है उनको अवार्ड से भी नवाजा था, तो काफी ज्यादा जो है यादें हर किसी को टाटा ट्रस्ट से है, रतन टाटा से है, फिलैंथ्रोपी के जो फील्ड में उन्होंने काम किया है लोगों के लिए वो काफी महत्वपूर्ण है। जिस तरह की रिसर्च, जिस तरह की स्टडी उन्होंने बिल्कुल सृष्टि हमारे साथ आप बने रहिए।